हर बार की तरह हम जो मंदिर है हमारे घर के पास गणपति मंदिर है वहाँ पे हम दर्शन करके हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। मंदिर अभी बंद है लेकिन हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। वैसे अभी हमारा गणपति बापा का दर्शन हो चुका है और अभी हम निकलेंगे हमारे अगले जर्नी के लिए जो है इक्कीरम माता के लिए लोनावला में। हम पहुंच गए हैं कलमबोली और यहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे शुरू होता है और अभी हम बस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में चढ़ रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है इसीलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो फिर मिलते हैं उजाला होने के बाद। गाइस अभी हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, आप देख सकते हैं अभी हल्का सा उजाला आया है। 6:25 हो रहे हैं और शायद हम 7:15 तक जो एकवीरा मंदिर है वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन कभी कभी काफ़ी ट्रैफिक होती है मंदिर के पहले तो देर हो सकती है। चलो मिलते हैं फिर। आप देख पा रहे हैं राइट साइड में ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का पहला फूड कोर्ट जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा है। सभी हम इस फूड कोर्ट से निकल रहे हैं और आगे से हम लेफ्ट लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि तीनों लेन बड़ी गाड़ियों ने कवर की हैं, तो छोटी गाड़ियां कहां से जाएगी।
ये वाला जो टर्न है ये इस सेक्शन का सबसे खतरनाक टर्न है, ये ऑलमोस्ट एक सर्कल है। आप देख सकते हो हमने पूरा एक सर्कल लिया है। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं काला केव्स के लिए। अभी यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो सामने आपको दिखेगा कि एक पहाड़ है, तो इसी पहाड़ पे एक वीरा माता का स्थान है। तो ये वो मंदिर है, इसे पायता मंदिर कहते हैं। पायता बेसिकली जो फुटहिल्स पे होता है पहाड़ के नीचे उस पर पायता बोलते हैं मराठी में। तो माता का पायते का मंदिर है। तो गाइस हमने यहाँ से रिक्शा की है, ये रिक्शा अभी ऊपर, ये माता के मंदिर जाएगी। मतलब एक बेसिकली ये माता के मंदिर नहीं जाएगी, ये पांच पायरी करके जगह है जहाँ पे पार्किंग है जो मिडवे है। तो गाइस आप देख सकते हो हम रिक्शा में जा रहे हैं, पांच पायरी पार्किंग, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ये, और इसी वजह से नवरात्र में यहाँ पे ऊपर गाड़ियाँ लेके जाना मना है, क्योंकि गाड़ी वालियों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है इस चढ़ाई का। और बहुत बार ऐसे होता है कि आधे में आके फंसते हैं और फिर काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है। और दूसरी बात है कि जितने लोग आते हैं और पार्किंग इतनी बड़ी पार्किंग नहीं है कि सारी गाड़ियां उसमें समा जाए, तो इसी वजह से रिक्शा इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप ऊपर जाओ, रिक्शा छोड़ दो, आते समय आप पैदल आ सकते हो या तो रिक्शा करके आ सकते हो। अभी हम पहुंचे हैं पांच पायरी पार्किंग में। यहाँ से ये मिडवे है एक वीरा माता के मंदिर में, यहाँ से हमको चढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे तो ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो गाइस ये है पांच पायरी मंदिर, यहाँ पे पहले दर्शन होते हैं फिर हम ऊपर जाते हैं। अभी हम लाइन में खड़े हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है, ये घूम घूम के जाती है, तो करीबन 2-2.5 घंटे हमको लगने चाहिए दर्शन के लिए। तो चलो कोई नहीं, अभी आए हैं इतनी दूर से तो दर्शन करके ही जाएंगे।
गाइस आप देख सकते हो अभी भी हम लाइन में खड़े हैं, लगभग पौना घंटा हो गया और जिस हिसाब से लाइन चल रही है दो ढाई घंटे और लगेंगे हमको दर्शन पाने के लिए। मीन टाइम आप देख सकते हैं नज़ारे, थोड़ा कोहरा है, शायद ये लेंस पूरी तरह से ये व्यू कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है और हर नवरात्र में ये ऐसे ही होता है और वीकेंड्स पर आप अगर आते हो सैटरडे संडे तो सोच लीजिए कि इतनी भीड़ को आपको मिलेगी। गाइस अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, करीबन दो घंटे लगे हमें दर्शन पूरे करने के लिए और मंदिर के बाहर अभी हम आ चुके हैं। अभी पास में ही एक छोटा मंदिर है जहाँ के हम दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये जो बोलते हैं कार्ला केव, तो ये वो केव्स है बोलते हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ये केव्स बनाए थे। पहले यहाँ पे एंट्री हुआ करती थी लेकिन अभी ये एंट्री बंद कर दी है क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तो ये अभी पूरी तरह से बंद की है। हम बचपन में जब भी स्कूल पिकनिक आते थे तो अंदर काफ़ी बार जा चुका हूँ। सभी हम माता के दर्शन के बाद वापसी कर रहे हैं, जो हमारी गाड़ी जहाँ पे पार्क्ड है। हाँ ताप चेक कर दो, ताप तुझा, ये हमारा सबसे ननखट बच्चा है, ये बहुत मस्ती करता है, एवेंजर्स फैमिली से ये। तो गाइस अभी हम पार्किंग में से नीचे जा रहे हैं, ऐसे तो मैंने सोचा था कि चल के जाऊं, लेकिन अगर मैं चल के जाता हूं, सब रिक्शा में जाते हैं तो उनको काफ़ी देर रुकना पड़ेगा मैं नीचे जाने तक, तो हमने सोचा चलो सब साथ में रिक्शा में चलते हैं। तो गाइस अभी हम माता का दर्शन करके निकल चुके हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो रास्ते में देखते हैं कहीं
नाश्ता करेंगे और फिर घर वापसी। सो गाइस, अभी हम आए हैं मनस शक्ति। ये एक छोटा सा फूड जॉइंट है, जो आप अगर एकवीरा देवी के दर्शन से आप आते हैं टुवर्ड्स लोनावला जाते हो तो रास्ते में ही पड़ता है। एक छोटा सा फूड जॉइंट है, लेकिन यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। काफ़ी सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अगर आपको टिपिकल महाराष्ट्रियन क्यूजीन खाना है, जैसे थालीपीठ हो, पूरनपोली हो या पोहा हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। गाइस, आप देख सकते हैं ये बंदर जो रोड क्रॉस कर रहे हैं। वेरी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है अगर ये अगर बीच में आते हैं और कोई गाड़ी वाला डर जाता है, तो दैट वुड लीड टू अ मिशाप। गाइस, हम घर आ चुके हैं, मतलब घर के नज़दीक नीचे आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 3:30। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप, रियली एंजॉय। तो गाइज, इसी के साथ हम ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू।